गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको व्रत की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी है और खाने में बहुत क्रंची है, खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से जल्दी से बन जाने वाली डिश है। और इसमें मैंने जो सब्जी यूज़ की है आलू की, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ और मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। हमें साबूदाना बड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो साबूदाना चाहिए होगा जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया है। आप देख सकते हो कि बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, फूल चुका है, मतलब मैश हो जा रहा है, देखो इस टाइप का। मैं 1-2 घंटे पहले भिगो दोगे तो बहुत अच्छे से ये फूल जाता है। और यहाँ पे मैंने मूँगफली को रोस्ट करके उसको बिना घी के बिना तेल के मैंने रोस्ट किया है और इसको ऐसे मिक्सी में चला के 1-2 बार चला दिए। कुछ बिल्कुल हमें पाउडर फॉर्म में नहीं चाहिए, हल्का सा दरदरा चाहिए जिसमें कि 1-2 पीसेस ऐसे भी रहें। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स यूज़ किया है, आप चाहो तो इसकी जगह पे हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो। ये अदरक मैंने कद्दूकस कर लिया है, आलू उबाल के मैश कर लिया है, सेंधा नमक, जीरा अगर आप व्रत में यूज़ करते हो तो डालो, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो, टमाटर, हरा धनिया और घी। घी की जगह आप अगर रेगुलर ऑयल यूज़ करते हो व्रत में तो वो भी यूज़ कर सकते हो और घी भी यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। साबूदाने में आलू उबला हुआ डाल देंगे, इसमें हम सब कुछ ऐड करते हुए जाएंगे। इसी में टमाटर डाल देते हैं। जो जो भी आप व्रत में यूज़ करते हो आप वो डाल सकते हो, जीरा खाते हो तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। आप मूंगफली पाउडर, मूंगफली पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और एक क्रंचीनेस रहता है हमारे वड़े में। अदरक डाल देंगे, नमक हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, जैसा भी नमक आपको पसंद हो, टेस्ट उस हिसाब से आप डाल सकते हो। चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, स्पाइसेस भी तीखा पसंद है तो और भी डालो, नहीं तो फिर तब बहुत है। हरा धनिया, अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं, आई मीन मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही यम्मी होता है और हेल्दी। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी, एक शैलो फ्राई और एक अप्पम, जिस जैसे हम अप्पम बनाते हैं ना सूजी का, उस टाइप का। हम अपने हाथ से मैश कर लेते हैं, फिर अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर गीला लगे तो हम इसमें मूंगफली का पाउडर और डाल सकते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो हमारा मिश्रण बिल्कुल रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने ये 1 कप पूरा मूंगफली पाउडर यूज़ कर लिया है। तो अब हम इसे गोल गोल टिक्की बना लेंगे और एक गोल गोल लड्डू जैसा बना लेते हैं। अब हम इसमें से छोटा छोटा पोर्शन लेंगे, टिक्की वाली थोड़ी बड़ी लेंगे और जो अप्पम जैसा बनाना है हमें उसका साइज थोड़ा, जैसा भी आपके उसका साइज हो उस हिसाब से आप बनाना। ये इस टाइप से हम इसको बना लेंगे। और गोल अप्पम के लिए इस टाइप से हमें गोल गोल बना लेना है, ऐसे हम सबका बना लेते हैं।
सो गाइस हमारे ये तैयार हो गए बड़े, और ये अपम जैसा। चलिए अभी ने फ्राई कर लेते हैं। सो गाइस हम गैस ऑन करके पहले ये अपम पैन चढ़ा देते हैं। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ग्रीस कर लेते हैं, बहुत ज़रा ज़रा सा, जो भी मतलब ऑयल घी जो भी यूज़ करते हो। अब हम इसमें ये डाल देंगे। अभी हम गैस को फुल लो ही करेंगे, लो मीडियम फ्लेम पे। इसको ढक के हम 5 मिनट के लिए सेक लेंगे। इस टाइप से हम फिर रेट लगा देंगे, और फिर रेट लगा के 5-6 मिनट के लिए अभी रहने देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इसको। सो गाइस 5 मिनट बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। हम इसे टर्न कर देंगे आराम धीरे से। अब दूसरी साइड में हम टर्न कर लेते हैं। अब हमें घी या ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको भी हम 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। अब इसे ढकने की ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे खुले आँच में ही, आई मीन बिना ढके ही हम इसको पकने देंगे। सो गाइस अब हम चेक कर लेते हैं एक बार कि हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम गैस का ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं, और नुकसान हो चुके हैं। ये हमारे साबूदाना के अप्पे रेडी है। अब हम वो शैलो फ्राई वाला कर लेते हैं। हम गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा देते हैं। पैन के अंदर जो भी आपको यूज करना है घी तेल, वो आप डाल दो। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे हम। ये हमारा तेल हो गया है, तब हम इसमें बड़े डाल देते हैं। हल्का ही गर्म है ऑयल। एक बारी में जितना आएगा उतना डाल दूंगी। आप चाहो तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो, बट हम हेल्दी नाश्ता बना रहे तो ये बेटर ऑप्शन है। एक बार हम इन सबको नीचे से छुड़ा देंगे, क्योंकि साबुनदाना है तो ऑब्वियसली थोड़ा ये चिपकता है। बस धीरे धीरे हम इनका थोड़ा इनको कुक होने के बाद तब हम इसे धीरे धीरे छुड़ा देंगे। अब हम इसे एक एक टर्न कर लेते हैं।
अब हम इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा दोनों साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे भी निकाल देते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे। सो गाइज रेडी है हमारी ये सुपर हेल्दी नाश्ता व्रत के लिए। आप जैसे कि नवरात्रि आने वाला है उसमें आप बना के खा सकते हो, बहुत ही यम्मी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कि बहुत हेल्दी होता है। और जो ये मैंने आलू की सब्जी बनाई है, ये इसका मैं नीचे कमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। ये सब्जी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है। सो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। सो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आई होप अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।